गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की। तो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें उसको पढ़ना पड़ा। ट्रांसफार्मर आप सबको पता है, बेसिकली हर कॉलोनी में एक इंस्टीट्यूट में भी लगा होता है, ताकि एक जो सप्लाई आ रही है पीछे से पावर हाउस कॉलोनी से, पावर हाउस से वहाँ से उस सप्लाई को क्या कर सके, या तो स्टेप अप कर सके या स्टेप डाउन कर सके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट की आपको जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। आपको सप्लाई ज़्यादा चाहिए 230 वोल्ट चाहिए, पीछे से अगर ज़्यादा 440 आ रही है तो आपको कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन। कौन सा चाहिए, स्टेप डाउन। अगर आपको ज़्यादा करनी है, मान लो 1 किलोवाट और आपको सप्लाई चाहिए, तो आप उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दिस सप्लाई इज ट्रांसफर्ड बाई यूजिंग फॉर ट्रांसफार्मर टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आपकी एक बिल्डिंग हो सकती है, जैसे हॉस्टल की बिल्डिंग है या आपका एक कॉलेज है पूरा। यस और नो, इज इट ओके। तो वायर्स के थ्रू हम सप्लाई दे देते हैं टू द मेन बोर्ड। मेन बोर्ड होता है जहाँ पे आपका मीटर लगा होता है, जहाँ पे आपका घर का मीटर देखा आपने, और जब वो एनर्जी कंज्यूम होती है वो मीटर कैलकुलेट कर लेता है और आपका बिल आ जाता है, और आपका भैया इसने इतनी पावर सप्लाई यूज़ की। इज इट ओके। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है, इट स्टेप अप और स्टेप डाउन। बेसिक में एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इनपुट सप्लाई दिया हमने Pin, यहाँ पे आउटपुट सप्लाई लेंगे हम Pout। ओके, ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ये नंबर ऑफ टर्न्स N2। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये कोर सेंटर में क्या है, कोर। ये कॉइल प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके N1 बड़े हैं N2, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है आउटपुट पे, इनपुट पे ज़्यादा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन। कौन सा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट के बड़े हैं इनपुट से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। बेसिकली अगर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात कीजिए, नाम से क्लियर है कि ट्रांसफॉर्म द एनर्जी और द पावर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, एंड इट वर्क्स अंडर AC। इस पे काम करता है, AC पे ही काम करता है, DC पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि व्हाई द ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC, व्हाई द ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC। ये आपको समझ आएगा जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन की। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें ट्रांसफार्मर की, तो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है कोर टाइप, एक होता है शेल टाइप। वन इज कोर टाइप, अनदर इज शेल टाइप। तो अगर हमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाना है या शेल टाइप बनाना है, तो कैसे बनेगा। कोर टाइप के लिए आपको एक टी शेप लेना पड़ेगा, and when you combine the E-shape, when you combine the E-shape, this is your shell type with I. आपने एक E लिया, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप्स ले ली, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, और उसको I की स्ट्रिप्स सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप्स के साथ कंबाइन कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया, इंसुलेट। बट यू हैव डन इज इंसुलेशन, बट यू हैव डन इज सिलिकॉन स्टील स्ट्रिप्स को आपने इंसुलेट कर दिया। तो व्हाट इज द रिजल्ट, तो एक कोर बन गया। क्या बन गया, कोर। This is a core type, sorry shell type. This is a shell type. This is a shell type. तो यहाँ पे आपकी primary winding कैसे बनी, कैसे? This is your primary winding and this is your secondary winding. यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे
This is primary number of tons. This is secondary number of tons. This is shell type. This is shell type. What you have done is you have taken the E shape silicon strips and I shape, and you have joined them by insulation, by insulation. Is it okay? तो हमें शेल टाइप समझ आ गया कैसे बनता है। फिर हमारे पास आता है कोर टाइप। अगर कोर टाइप आप डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है, एक एल शेप लेनी है सीधी, एक इनवर्टेड, एक एल शेप इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। यस, एंड देन आई हैव डन इंसुलेशन, देन आई हैव डन इंसुलेशन, इज इट ओके। एंड व्हाट इज द रिजल्ट, तो मुझे ये मिल गया कोर, एक कोर बन गया, क्या बन गया, मींस में कोर टाइप। दिस इज अ कोर टाइप इंसुलेटेड using two L shapes, one is straight, another is inverted, another is inverted, and there is a primary winding, another there is a, this is a coil, this is a core, ये core है, ये आपकी coil है, primary coil, secondary coil, primary coil, secondary coil, okay, in number of terms N1, N2, is it okay? So this is how we have studied the formation of shell type or core type transformer. जो आपका construction का part है, दो ही part है, इसके अंदर एक core है और एक coil है। एक core है और एक core बनाना हमने सीखा, उसके ऊपर coil हमने खुद rotate किया। Yes or no? Shell type का core कैसे बना? Using E and I. Using E and that is E plus I. Is it okay? एंड इसका कोर कैसे बना, कोर टाइप का एल प्लस इन्वर्टेड एल, एल प्लस इन्वर्टेड एल, यस और नो? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट। देन देयर इज अ वर्किंग प्रिंसिपल, ध्यान से समझना जरा वर्किंग प्रिंसिपल को कि काम कैसे करता है ट्रांसफॉर्मर, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। Let us suppose this is our transformer and I have given the supply V1 at input. Primary पर we have given supply V1. What supply we have given? V1. And the current starts flowing I1. The current starts flowing I1. The current starts flowing I1. The current is alternating because you already know that transformer always work on AC. Transformer always work on alternating current. Transformer always work on that is fluctuating. That is fluctuating. Change. Is it okay? Current starts flowing, that is also fluctuating. And this is a coil. This is a coil. Primary coil. Which coil? And you know the behavior of the inductor. What is the inductive coil behavior? It always oppose the change in cause of it. It always oppose the change in cause of it. So inductor always oppose, always. So it will induce a back EMF. It will induce a. So it will opposite force generate करेगा, जिसका नाम क्या होगा, back EMF. What is the name of that force? Back EMF that is generated by dispersion. That is related by, is it okay? And there is some induction by primary current, that is I1, and this E1 also induce some magnetic force, yes or no? एक magnetic flux lines आ रही है आपकी current के कारण जो supply दी है, एक back EMF के कारण आ रही है, yes or no? Yes sir. Yes. Is it okay? Yes sir. And due to that the flux starts flowing, due to back EMF the flux starts, yes or no? This flux is phi and this flux is flowing across the core,
किसमें से फ्लो करेगी? कोर। किसमें से? कोर में से। इज इट ओके और नॉट? एंड दिस फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग। यू नो दैट द फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, इज इक्वल टू ओके नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी नंबर ऑफ टर्न्स से, नंबर ऑफ, तो दैट इज ईएमएफ आता है। क्या आता है आपका? ईएमएफ। दिस इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। दिस ईएमएफ इवन इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। दो तरह के ईएमएफ होता है, पता है आपको? एक सेल्फ इंड्यूस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंड्यूस। दूसरा होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। यस और नो? यस सर। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अनदर इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस की बात करूं तो दिस इज L1, दिस इज L1, एंड द ईएमएफ सो इंड्यूस्ड इज बिकॉज़ ऑफ दिस L1 इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ, that is a current that is flowing across primary coil I1, primary coil I1. Is it okay with everyone? When this flux phi, the same flux that is alternating, that is linked with the secondary coil, so ye isme se bhi flow karegi? Yes or no? Yes sir. Same flux is linked with the secondary coil and this is the load. This is the load and you will get the output current I2 here and the output voltage V2 here. Due to this flux, there is mutually induced EMF. There is mutually induced EMF because of the primary coil. Induced EMF किसके कारण हुई? Primary के कारण। किसके कारण? Primary के कारण। Due to change in primary flux, there is induced EMF in a secondary. Induced EMF in a secondary. ओके, तो ये फ्लक्स जो फाई है ये प्राइमरी के कारण से लेकर थी, पर इस फ्लक्स ने सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर दी, दैट इज ई2, दैट इज ई2। यस और नो? यस। द सेम फ्लक्स दैट इज इंड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस एन ईएमएफ, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हिच इंड्यूस्ड ईएमएफ? Which induced EMF? And if you are talking about the inductance, then it is mutually induced, mutually inductance. Which inductance? L2. Which inductance? And mutually inductance is related by M. Related by? Is it okay? Due to this EMF, the current starts by I2. And here is the output you can take across the load. Across the load. Is it okay? आप आउटपुट ले सकते हैं, क्या लगाते हैं? लोड। अब लोड कैसा है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट कितनी आएगी। कम लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, आर हो सकता है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, कैसा लोड आप लगा रहे हैं वैसा आपका आउटपुट आएगा। ये सब हुआ। तो आप लोड रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया ना एल एंड पे, वहां पे आप आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट कितना आएगा? वी टू। कितना आएगा? वी टू। आउटपुट कितना आएगा? वी टू। इज इट ओके विद एवरीवन? समझ आ रही है सबको बातचीत? एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द सप्लाई V1 एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई द करंट I1 स्टार्ट फ्लोइंग। दिस करंट इज फ्लक्चुएटिंग, दिस करंट इज एंड व्हेन फ्लो थ्रू द इंडक्टेंस, व्हेन फ्लो थ्रू द इंडक्टेंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टेंस इज इट ऑलवेज अपोज द चेंजिंग पोज ऑफ इट, इट ऑलवेज चेंज अबाउट, हेंस द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इवन इंड्यूस ओवर देयर। उस ईएमएफ के कारण आपको पता है कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगी? यस और नो? मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होगी? यस और नो? दैट इज आल्सो अल्टरनेटिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस ईएमएफ इज सेल्फ इंड्यूस, व्हिच इंड्यूस एंड सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड दैट सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ओके, उसमें E2 induce हो जाएगा, that is mutually induced EMF, that is it okay? And cause the current I2 to flow, and that current when flow through the load, you will get the output, that is V2, that is, इस सभी प्रोसेस में एक काम हो रहा है, loss हो रहा है, क्या हो रहा है? अब losses की बात करेंगे, working principle क्या है? Loss क्या हो रहा है?
बता देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर? टू टाइप्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे कैसे लॉसेस, सुनिए, रिलायबल लॉस, अनदर इज कॉपर लॉस। अब आयरन लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो आयरन लॉस है वो कॉन्स्टेंट लॉसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं कॉन्स्टेंट, और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो वेरिएबल लॉसेस होते हैं। कौन से लॉसेस? एक्चुअली कॉपर क्या है, कॉइल है, कॉपर क्या है और कॉइल में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट, क्या फ्लो कर रहा है, इज इट ओके? कॉपर क्या है, आपकी कॉइल है, कॉइल किससे बनी है, कॉपर से, कॉइल किससे बनी है, कोर किससे बनी है, स्टेनलेस स्टील से, किससे, कॉइल आपकी किससे बनी है, कॉपर से, इसे, तो कॉपर लॉसेस किसमें होंगे, कॉइल में, किसमें, दो ही बार है ना आपके पास, एक कॉइल है, एक कोर है, कोर को किसके, कोर के ऊपर रोटेट क्या किया हमने, कॉइल को, यस और नो? अब जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो देयर आर कॉपर लॉसेस ड्यू टू हीट सो प्रोड्यूस ड्यू टू, आपने देखा है जब आप ऑन करते हैं ट्रांसफार्मर को तो वो गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या आपका चार्जर गर्म नहीं होता, यस सर, यस और नो, यस सर, व्हाई? तो देयर आर हीट लॉसेस, देयर आर हीट लॉसेस, आपका जो ट्रांसफार्मर है, जो कॉइल है उसके अंदर, उसमें से करंट जब फ्लो करता है, व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग व्हाट हैपन इज इट गॉट हीटेड, कॉइल आपकी हीट हो जाती है, क्या हो जाती है, हीट अप, योर कॉपर कॉइल गॉट हीट, हीट अप एंड द लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड कॉपर लॉस, इज कॉल्ड, एंड व्हाई इट गॉट हीट अप, बिकॉज़ द करंट इज फ्लोइंग, बिकॉज़ द जहां से भी करंट फ्लो करेगा वो गर्म हो जाएगी तार, वो तार क्या हो जाएगी, वो वायर आपकी गर्म हो जाएगी, यस और नो, यस और नो, यस सर, यस। तो कॉपर लॉसेस कैसे करेंगे, अगर प्राइमरी है, प्राइमरी में करंट कितना है, कितना है करंट, और इंडक्टर प्योर तो होता नहीं आपको मालूम है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ, तो करंट किसने फ्लो करता है, आई लॉस क्या है, प्राइमरी लॉस है, सेकेंडरी लॉस क्या होगा, आई टू स्क्वायर, दिस इज योर कॉपर लॉस, which loss, which loss, how many coils are there, primary and secondary, so total copper loss is primary loss plus secondary loss, is it okay there, okay. So this is your copper loss, this is your in the form of power, PCU, power, copper loss, power kya hota hai, I square R, what is power, I square R, is it okay, iron loss, that is because of the core, that is because of the, there is some loss in magnetic flux lines, ab aapki magnetic field produce ho rahi hai due to current, that is alternating, that is, that is kya usme loss nahi hoga, yes or no, yes or no, yes, yes, so that is the losses that occur, losses that occur due to the materialistic, ki material kaisa aata hai, due to materialistic and due to loss in magnetic flux lines, due to loss in magnetic flux line is your iron loss, and these losses are always constant losses, ye kabhi change nahi hote, ye kabhi change nahi, acha copper loss kaise change ho sakta hai, kaun batayega, raise your hand, copper loss variable kyun hai, kaun batayega, why the copper losses are variable, anyone else, why the copper loss is variable, always change, because the current change, aur current ko change karne ke liye kaun help kar raha hai, aapka load, load jitna lagayenge us hisab se aapka current change hoga, and when the current is changing copper loss is changes, copper loss is changes, is it okay with everyone, material jo ek baar jo bana diya wo bana diya, एक बार आपने स्टेनलेस स्टील लगा दिया तो उसका वही लॉस रहेगा, यस और नो, आर यू चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर, यस और नो, जो ट्रांसफार्मर एक बार बन गया वो बन गया, जो एक बार बन गया वो क्या उसको चेंज कर सकते हैं आप, यस और नो, यस और नो, इट मींस द आयरन लॉसेस आर कांस्टेंट
and the copper losses are variable. And the copper losses are is it okay with everyone? Yes. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. I hope you understand the iron and copper losses. Iron losses are constant losses. Copper losses are variable losses. Is it okay with everyone? Yes. Yes. So एक ratio होती है. उस रेशियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हम बात करें उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज दैट इज ट्रांसफार्मर
category into one. तो कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं उसको ध्यान से लिखिए जरा। पहले तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्या होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर, हेलो, एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट। अगर हम आउटपुट की बात करें, आउटपुट क्या होती है ये इनपुट क्या होती है, मान लेते हैं आउटपुट हमारे आई टी टू, आउटपुट बी टू ले लेना, आई टू फॉल्स आई, ऐसे लेते हैं कॉइल के क्रॉस, मान लो इंडक्टिव लोड है तो आउटपुट कैसे लेते हैं, तो इनपुट क्या होगा यहां पे लिख देते हैं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, यस और नो, इनपुट क्या है जो आउटपुट आ रहा है और जो लॉस हुआ है, और जो लॉस हुआ है, यस और नो। तो यहां पे क्या आएगा आउटपुट वी टू आई टू कॉस फाइव, और लॉस क्या है, और लॉस क्या है आपका, लॉस क्या है, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, यस और नो, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, इज इट ओके वेरी गुड। ये लॉस है ना दो, एक आयरन और एक कॉपर, और मेरे को पता है यहां पे वेरिएबल क्या है इस पूरे में, व्हाट इज वेरिएबल, करंट, करंट ही चेंज होता है सिर्फ, यस और नो, यस, क्या है वेरिएबल। तो मुझे पता है कि अगर एफिशिएंसी मुझे मैक्सिमम करनी है तो मुझे जो डिनोमिनेटर उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, समथिंग डिवाइडेड बाय मिनिमम इज मैक्सिमम, समथिंग डिवाइडेड बाय मिनिमम इज, इज इट ओके। अगर मुझे एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, बट पहले मुझे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएबल ना बचे, उसमें कोई वेरिएबल ना बचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्या है आई टू, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई टू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई टू, सो दैट न्यूमरेटर बिकम कांस्टेंट, न्यूमरेटर बिकम, देन एंड ओनली देन ना यू कैन चेंज द डिनोमिनेटर टू मिनिमम, इज इट ओके और नो, यस। तो डिवाइड किया What is copper loss? I2 square R equivalent. We have already derived. Yes. I2 side cancel. It become V2 cos phi upon V2 cos phi plus I2 R equivalent plus 3I upon I2. Yes. Now numerator is constant. ये numerator है. ये denominator है. ये constant बन गया. ये वेरिएबल है बिकॉज इसमें करंट है, बिकॉज इसमें किसको चेंज कर सकते हैं आप, कॉन्स्टेंट को या वेरिएबल को, तो मिनिमम किसको कर सकते हैं, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर किसको, तो आपने डिनोमिनेटर ले लिया डी, दैट इज वी टू कॉस फाइव प्लस आई टू आर इक्वेलेंट प्लस पी आई अपॉन आई टू अपॉन, यस और नो, यस। अब अगर मुझे इसको मिनिमा करना है या मैक्सिमा करना है, मिनिमा करना है या क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, आई चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, करंट है, व्हाट इज वेरिएबल, करंट, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या है, I2 का डेरिवेटिव 1, यस और नो, यस,
plus what is 1 by I to differentiation pi upon minus 1 by I to square, minus 1 by I to square. What is the differentiation of 1 by I to minus 1 by I to square, minus 1 by I to square. Is it okay or not? Yes. Yes or no? Yes. कैसे समझ लीजिए, इधर देखिए 1 by I to 1 by I to, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, I to की पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे एक पावर डाउन माइनस वन I to का पावर माइनस टू, दैट इज माइनस वन बाय I to स्क्वायर. यस और नो? यस. यस, इज इट ओके? अब यहाँ पे क्या करिए आप, डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आप कंडीशन निकालते हैं तो इसको किसके को रखते हैं, आप कंडीशन निकालना चाहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा की, आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या स्टेप होता है आप बताइए, उसको इज इक्वल टू जीरो रखते हैं. क्या रखते हैं? इज इक्वल टू जीरो. मैंने इसको इज इक्वल टू जीरो रख दिया आफ्टर डिफरेंशिएशन. क्या आ गया, आर इंफ्रेंट इज इक्वल टू माइनस साइन, राइट साइड में जाकर क्या हो गया पॉजिटिव, पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर. यस यस. What is pi now? I2 square R equivalent. What is this? I2 square R equivalent. PC. So pi is equal to PC. So condition क्या आ गई मेरे पास कि iron loss जब copper loss के equal होता है. Iron loss जब copper loss के equal होता है तो क्या होता है वहाँ पे efficiency maximum. क्या होती है efficiency? D आपका मिनिमम हो जाएगा इस पे. PI इस पर PC में D क्या हो जाएगा आपका? एट दिस D क्या बन जाएगा? मिनिमम. D क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर आपका मिनिमम बन जाएगा. यस. तो एफिशिएंसी क्या बन जाएगी? व्हाट इज द एफिशिएंसी एट D? मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी? किसी चीज को छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो क्या बन जाता है? बड़ा. क्या बन जाता है? बड़ा. यस. yes? तो एफिशिएंसी क्या बनी आपकी? ये दैट इज v2 i2 cos phi, v2 i2 cos phi pc plus vi, इसके बराबर है 2 pc. क्या आ गया? 2 pc. एंड दिस एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, एंड दिस एफिशिएंसी इज मैक्सिमम. इज इट ओके विद एवरीवन? तो विद दिस वी क्लोज दिस टॉपिक टुडे, दैट इज अ ट्रांसफार्मर. Okay, I hope you understand. Thank you so much.